लगा झुमके। है ना कमाल का जश्न भाई। ऐसे ही सीन्स का तो दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, वरना दादी साके ऐसे झुमके। आनंदी शिव का ऐसा डांस गहना और भैरव के ऐसे लटके झटके जल्दी देखने को कहां मिलते हैं। वो तो गुल्ली की शादी का मौका है जो दादी सा की हवेली में एक बार फिर छा गया है खुशियों का रंग। हमारे परिवार में शायद जी के सिवाय भी चीजें होती है, सबकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन होते हैं, हमने बहुत डाउन देखे, अब हम अप की तलाश में। शादी के थ्रू एक बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा जाएगा। भाई सबसे हैरान की बात तो ये है कि शादी को सजा कहने वाले इस गाने पर नाचने वाले सारे शादीशुदा हैं। आनंदी दो दो बार शादी कर चुकी है, जग्या तो तीन तीन बार दूल्हा बन चुके हैं, गंगा ने भी दो बार शादी की है और दादी सा भाई इन्होंने भी तो शादी का लड्डू चखाई है, मगर ये सब है कि दूल्हे और दुल्हनिया को शादी से डरा रहे हैं। शादियों पे संगीत पे मेहंदी पे नाचने मिलता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम मारे हाथ उनमें चूर खन के पे नहीं नाच रहे हैं, हम गानों पे नाच रहे हैं जिनकी हमें वर्डिंग्स पता है, जैसे जोर का झटका है जोरों से मिटा। वैसे इस खास मौके के लिए आनंदी और गंगा ने खास ड्रेस निकाले हैं और इनके इस ड्रेस की कहानी भी बड़ी अनोखी है। ये कपड़े मेरे जो कपड़े हैं वो आनंदी ने सिले हैं। इन्होंने कहा कि मुझे ये रंग बहुत पसंद है गंगा, मैं तुम्हारे लिए गंगा सिल के ला दूँ, मैं तुम्हारे लिए घाघरा सिल के ला दूँ। तो मैंने कहा अरे वाह कितनी कोइंसिडेंस वाली बात है, मैंने भी आपके लिए घाघरा सिला है। और मैंने नहीं ये घाघरा मैंने सिला है, इन्होंने ये इनकी शेरवानी शिव ने सिली है। चलिए जी फिलहाल तो ये नाच गाना और धमाल देखकर तो यही लगता है कि दादी सा की हवेली में सब कुशल मंगल है, मगर टीवी पुर का इतिहास देखें तो पता चलता है कि कोई भी ऐसी शादी नहीं हुई कि इस जश्न को किसी की नजर ना लगे।